दोस्तों, अगर आपने ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है और उस क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको ICICI की बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए। ये आपको बनाना नहीं पड़ता है, ये बना हुआ ही होता है, जस्ट आपको इसे ढूंढना पड़ता है या फिर पाना पड़ता है। अब ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, इसे कैसे प्राप्त करेंगे, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यूज़र आईडी प्राप्त करने के दो तरीके हैं और उसके बाद हम पासवर्ड को गेन करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप अपने ICICI बैंक का जो यूज़र आईडी है उसे जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहला तो आप यहाँ पर चले जाइए ICICI बैंक की वेबसाइट पर। अगर दोस्तों इस वेबसाइट पर आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कई लोगों के यहाँ पर यूज़र आईडी जनरेट हो जाता है, कई लोगों के नहीं होता है। तो जिन लोगों के नहीं हो रहा है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब दोस्तों यहाँ पर ये लॉगिन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पर्सनल लिखा है, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा है, उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, द क्रेडिट कार्ड नंबर विच यू हैव एंटर्ड इज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ क्रेडिट कार्ड नंबर एंड ट्राई अगेन। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मेरा जो यूज़र आईडी था वो जो मैं नहीं मिल रहा था, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक नंबर डायल किया। ये वाला नंबर हमने लगाया था। माय बैंक फोन बैंकिंग फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। प्रिय ग्राहक, आपकी सुविधा के लिए हमने प्रस्तुत किया है एक वॉइस असिस्टेंट। कृपया कुछ ही शब्दों में हमें बताएं कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। मुझे क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना है पर मैं यूजर आईडी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। अच्छा, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए पिन जनरेट करवाना चाहते हैं, क्या ये सही है? जी हाँ। आपकी सहायता करने के लिए मैं आपको पिन जनरेशन मेन्यू पर कनेक्ट कर रही हूँ, कृपया लाइन पर बने रहे। कृपया अपना क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड नंबर दर्ज करें। अब हमें हमारा जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है यहाँ पर एक बार दर्ज कर देना है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर के रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर जिसके आखिरी अंक है 9529 पर OTP प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त किए गए 4 अंकों का OTP दर्ज करने के लिए 1 दबाएं। प्राइम प्लीज एंटर द OTP। कृपया जन्म तारीख, दिनांक, महीना और साल इस क्रम में दर्ज करें। उदाहरण के तौर पे 3 जून 2002 के लिए एंटर करें 03062002। कृपया कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू दर्ज करें। आपके कार्ड की रिवर्स साइड पर हस्ताक्षर पैनल पर लिखे हुए नंबर के आखिरी 3 अंक आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू है। कृपया अपना नया 4 अंकों वाला कार्ड पिन दर्ज करें। कृपया अपना 4 अंकों वाला ATM पिन पुनः दर्ज करें। आपका पिन सफलतापूर्वक जनरेट हो गया है। प्रिय ग्राहक, कृपया प्रतीक्षा करें, हम आपकी कॉल हमारे कस्टमर सर्विस एसोसिएट को ट्रांसफर कर रहे हैं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया जा सकता है।
गुड इवनिंग, माय नेम इज तनुषा, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मैं कैसे सहायता कर सकती हूँ? मैम अभी मुझे ICICI का क्रेडिट कार्ड मिला है जी। तो क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए मुझे वेबसाइट पर लॉगिन करना है। जब वहाँ पे मैं यूजर आईडी सर्च कर रहा हूँ तो यूजर आईडी मुझे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इनवैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर बता रहा है। आपने पिन जनरेट कर लिया सर? पिन जनरेट अभी मैंने IVR से ही किया है अभी जस्ट। ओके, चेक कर लेती हूँ। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट बता पाएंगे? वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद सर। और जैसे मैं समझ पाई, जब आप यूजर आईडी पे लॉगिन कर रहे थे तब आपका इनवैलिड कार्ड का एरर आ रहा था जी। आप निश्चित रहिएगा इस कॉल के दौरान आपकी पूरी सहायता की जाएगी। सर आप एक बार आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर पाएंगे? kalpesh@gmail.com। आप एक बार आपका यूजर आईडी नोट कर लीजिए जी। कैपिटल सी एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरा यूजर आईडी? कैपिटल सी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच जी। और सर आपके जो ईमेल आईडी पे पासवर्ड जनरेशन का जो प्रोसेस है, आपने क्या कहा? आपका जो पासवर्ड पहले जनरेट करना होगा, हमारे यहाँ से तो पासवर्ड आपको नहीं दिया जाता है। ठीक है, यूजर आईडी दिया जाता है। और पासवर्ड पासवर्ड जो है कैसे जनरेट करते हैं उसका प्रोसेस मैंने आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया था। ओके जी। और वेबसाइट जो है आपका www.icicibank.com, वहाँ पे जाके आपको पर्सनल पे जाके आपको लॉग इन करना होगा। पहले आपको यूजर आईडी देना होगा और पासवर्ड का प्रोसेस मैंने आपको बता सेंड कर दिया है आपको ईमेल आईडी पे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आप जनरेट कीजिएगा। सक्सेसफुली जब जनरेट हो जाएंगे तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि ICICI बैंक का जो पासवर्ड है उसे कैसे जनरेट करना है। उसके लिए आपको चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर आपको लिखना है ICICI बैंक। ये जो पहले वाली लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पर्सनल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखा है फॉरगेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इसके ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पर गेट अ पासवर्ड, इसके ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी यूज़र आईडी डालनी है और यहाँ पर प्रोसीड का जो बटन है उसके ऊपर टैप कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर प्रोसीड पर फिर से टैप करना है। अब हमारे मोबाइल पर एक OTP आने वाला है, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना होगा। ये देखिए OTP आ चुका है। फिर से यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बनाइए। चलिए मैं नया पासवर्ड बना लेता हूँ। अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड योर पासवर्ड। और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लॉगिन कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत सेना।